सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें याद करें। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की हर एक सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर एक शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। आज का पंचांग 8 मई 2023 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, शाम 6:19 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र शाम 7:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:20 से 8:59 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर शाम 7:10 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। धनु राशि 8 मई 2023 दिन सोमवार, प्रतियोगिता आपको परेशान कर सकती है या कर रही है। आप अपने विचारों के साथ अकेला रहना चाहते हैं। अपनी वर्तमान चिंताओं को फिर से चार्ज करने और हल करने के लिए समय निकालें। ऋण और खर्चा आपको तनाव दे सकते हैं। शांत विचारशील स्थानों पर अपने उत्तरों की तलाश करें। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, खासकर जब आप किसी समस्या में हैं। आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक बुरा विचार नहीं है, खासकर जब आप किसी समस्या में हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाना कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। अपने परिवार को समय दें और उसके बाद आप एक बड़ा परिवर्तन पाएंगे। याद रखें कि इंसान को दुनिया में सब कुछ दिखाई देता है केवल अपनी गलतियों के। आशावादी और संतुलित होने से संतुष्ट रहेंगे। घर के बड़े लोगों से मार्गदर्शन और मदद मिलेगी। किसी अच्छी खबर से दिन खुशनुमा रहेगा। स्टूडेंट को पढ़ाई में मदद भी मिलेगी। दुष्टों के बदलाव के कारण आप गलत रास्ता ना चुनें। आपके विचारों की वजह से डर रहेगा। परिस्थिति की सच्चाई जानना जरूरी है। किसी व्यक्ति का आपके लिए बदलता हुआ व्यवहार दुविधा का किसी व्यक्ति का आपके लिए बदलता हुआ व्यवहार दुविधा बढ़ा सकता है। कठिन समय में इस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया था, ये बात ध्यान रखें और उस व्यक्ति को माफ करें। मार्केटिंग कमजोर होने की वजह से नए काम में अपेक्षित फायदा नहीं मिलेगा। जिन लोगों को मार्केटिंग का अनुभव है उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों की वजह से आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकता है। सावधानियां, दूसरों से उम्मीद न रखकर अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। कुछ लोग आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। किसी के बहकावे में ना आए। बड़े लेन देन से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे संबंधों में तालमेल रखें। किसी दोस्त से मुलाकात होगी और खुश रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो एक परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है, बस सही समय आने दें। साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग घाटे को भी फायदे में बदल सकती है। आज आप दिमाग की जगह भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। अपने परिवार और पार्टनर के प्रति नम्र रहें और प्यार की बहार का आनंद लें। बुरी आदतों से दूर रहें। आपको कोई सरप्राइज मिलने की संभावना है या आप भी अपने साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। यह समय एक विजेता की तरह है जहाँ डर भय या मानसिक समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप में से कुछ लोगों को आज प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी खास से अलगाव आपकी नींद उड़ा देगा, लेकिन आने वाले दिन आपके लिए शुभ है। अपने करीबी लोगों से अपने प्यार को जताना आज एक बढ़िया आइडिया है। इससे आप उनके और भी पास आएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आज कुछ नामुमकिन लगे तो
कुछ समय निकालकर अपनी आपकी सुनिए। उन लोगों के साथ अच्छे से रहें जो आपके साथ अच्छे हैं। जितना अधिक हो सके उतने लोगों से बात करें। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा मेहनत से तनाव और कमजोरी रहेगी। आराम करें और अच्छा आहार लें। सिर दर्द और आंखों से संबंधित तकलीफ भी बढ़ेगी। आज का उपाय, शंकर भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, आज शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।